सैमसंग A50 हो या फिर A50S हो, और जिसका प्रॉब्लम है चार्जिंग पर लगाने के बाद लोगो ब्लिंक कर रहा है और चार्ज कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही सीखने लायक प्रॉब्लम है। ये देख जैसे कि देख सकते हो ये लोगो आ रहा है, चार्ज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में कहाँ से प्रॉब्लम आने का चांसेस है? तो लोग बहुत सारा लोग चार्जिंग आईसी को बोलेगा और जो सीपीयू यूएमएमसी सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन दिमाग ख़राब कर देने वाला प्रॉब्लम है। वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको पहले जो चेक करना है कि आपका जो चार्जिंग बोर्ड का पत्ता है और सीसी बोर्ड ओके है कि नहीं है, तो उसको पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। आपके पास नया वाला है तो दोबारा उसको चेक कर लीजिएगा, और आपका जो बैटरी कनेक्टर में बैटरी कनेक्टर को चेक कर लीजिएगा कि बैटरी कनेक्टर में अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कनेक्टर है वो पूरा तरह से क्लीन है कि नहीं है। तो फ़ोन दोस्तों हमारा ऑन हो गया, और कहाँ पे प्रॉब्लम था आपको दिखाता हूँ। आप ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ऐसा कंडीशन में फ़ोन आता है तो आपको ये भी आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है ये प्रॉब्लम। तो इसका जो बेसिक सा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, फिर भी फ़ोन जो है डेड कंडीशन में था, चार्जिंग लोगो ब्लिंक कर रहा था और चार्ज अभी जो है पूरा ओके हो गया, फ़ोन हमारा चार्ज भी ले रहा है और फ़ोन हम कहीं पे भी काम नहीं किया, इसका बोर्ड में कहीं पे भी काम नहीं किया। ओरिजिनल सीसी बोर्ड है, ओरिजिनल पत्ता है, क्योंकि हमारा पत्ता और सीसी बोर्ड ओके था, चेक किया। इसका जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम बैटरी कनेक्टर से नहीं है, बैटरी कनेक्टर को भी मैंने चेक किया, बैटरी में मेरा वोल्टेज नहीं था। तो वोल्टेज बैटरी में क्यों नहीं था? क्योंकि यह ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता कट हो गया, और इसका जब एक